देखिए, जब नेता पर भरोसा टूट जाएगा, महाराष्ट्र में क्या हुआ कि महाराष्ट्र में जो है शिवसेना के जो नेता थे उनका जो है भरोसा लोगों को टूट गया और सभी MLA छोड़ दिया। उसी तर्ज पर बहुत दिन आता तय नहीं चलने वाला है, तो आने वाला दिन में नीतीश जी का रवैया से मुझे लगता है कि उनके साथ कोई MLA और कोई MP नहीं रहेगा, वो उनको छोड़ के अलग अलग पार्टियों में और BJP में ही आएगा। देखिए, मैं इस प्रसंग में इसलिए बोला कि बिहार में नीतीश कुमार जी का जो रवैया रहा है वो बिहार की जनता से छुपी हुई बात नहीं है। लालू जी को भी वो ठका, पहले BJP को ठका, फिर लालू के साथ धोखाबाजी किया, तो एक प्रकार से एक मैसेज है बिहार की जनता को कि अब नीतीश जी जो है या इसका जो है चाल चलन चरित्र से सब वाकिफ हो गया है, इसलिए नीतीश जी का पैर तले जमीन खिसक गई है। अब जमीन रही है इसके पैर तले, उनको पता है। अब नीतीश जी को किसने बनाया? बिहार की जनता। लालू जी का जंगल राज था तब बनाया, तो आज नीतीश जी फिर उन्हीं के साथ हैं। और अब इतनी बड़ी पार्टी उनकी थी JDU, क्या JDU में कोई नेता नहीं था उनका? और उन्होंने जो है अब वो ऐलान कर दिया है बजाबते कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा। तो बिहार की जनता को अगर वह कह देगा कि आप तेजस्वी को CM बना दो और वो अपना पार्टी को उसमें समर्पण कर दिया है, तो क्या ये होने वाली बात है? तो निश्चित रूप से नीतीश जी का बयान से और नीतीश जी का जो चाल चलन चरित्र रहा है, अब बिहार की जनता भी भाग गई है और आने वाला दिन में मुझे नहीं लगता है कि कोई MP MLA उनके साथ रहेगा, क्योंकि गलत लोगों के साथ गलत पार्टी में वो चला गया है और उनके जाने से इनका परिणाम बुरा आएगा। आने वाला दिन में निश्चित रूप से बिहार की जनता और बिहार का नेता जितना उनके पार्टी के लोग हैं वो सब उनको छोड़ देगा। क्या JDU और राजद का जो है कार्यकर्ता क्या भाजपा के साथ जा रहे हैं क्या, ऐसा क्या आपने दावा भी किया था? JDU मैंने कहा ना कि मैंने यह बातें इसलिए कहा कि नीतीश जी का जो रवैया रहा है अब बिहार की जनता तो उससे बदल ही गई है और नीतीश जी समाधान यात्रा में निकले हैं और 15 से 17 साल उनका होने जा रहा है, अभी तक वो समाधान नहीं कर सके, तो क्या और 15 साल मौका चाहिए उनको क्या? तो निश्चित रूप से पहले तो BJP के साथ वो धोखाधड़ी किया, फिर लालू जी के साथ किया, अब फिर दोबारा BJP के साथ वो धोखा करके जनादेश तो नीतीश जी को दिया था हम लोगों को सब मिलके BJP JDU को, तो जनादेश के साथ खिलवाड़ करने वाले आदमी का क्या हासिल होता है? और दूसरी बात, वो अभी तुरंत बोले थे कि अब JDU जो है हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, JDU का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, अब आने वाला दिन में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, तो क्या नीतीश जी के फरमान जारी करने पर उनका सारे MP MLA चला जाएगा? कभी नहीं जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आने वाला दिन में नीतीश जी अकेले रह जाएंगे, उसके जितने MLA हैं जितने MP हैं वह उनसे उब चुका है, वह अफसर का राज बना दिया है। कोई MLA MP का बात सुनते हैं नीतीश जी आज तक? सुना है किसी का? नीतीश का राज, आप जनता के बीच जाइए, अफसर का राज ये आम पब्लिक बोलती है। तो बिहार की जनता सब समझ रही है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कुव्यवस्था है, शासन प्रशासन उसका अंकुश में नहीं है, खुलेआम क्राइम हो रहा है, डकैती अपहरण सब शुरू हो गया, अभी कुर्साकाटा में हो गया डकैती हो रहा था, आज तक कोई उद्भेद नहीं हुआ। तो आने वाला दिन में नीतीश जी का फरमान पे मुझे नहीं लगता है कि कोई MP MLA उनके कहने पे तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानेगा और आने वाला दिन में उसका JDU समाप्त हो जाएगा, अब JDU इतिहास बन के रह जाएगा।